ही बोलते रहते हैं, पता नहीं कितने टैक्सों की गिनती गिना दी हमने जिंदगी में, नहीं सुने वो शब्द ऐसे ढूंढ के लाते हैं। अब जयराम जी ठाकुर जी को लगा रहता है कि मैं फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, करो, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी सरकार की आलोचना भी करो, लेकिन तथ्यों के आधार पर करो, झूठ के आधार पर मत करो। और कहीं भी अगर कोई बात है तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हम उनका भी सम्मान करते हैं कि जो हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में अगर कोई सुझाव देंगे ये करेंगे। लेकिन आप बताइए, किसी सांसद ने आपदा में हमारी मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री के पास गए कि आपदा में इस प्रदेश की मदद की जाए? कोई आपके पास चिट्ठी है? कोई चार सांसद गए होंगे, दिखाया होगा, सोशल मीडिया वाले के पास तो आ जाती ना फट से फोटो, तो उस फोटो को कभी दिखाया? कभी मदद नहीं की। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई में जीत रहे हैं। आज तक जितनी हमने दो साल में जो सरकार का पैसा निकाल दिया जाता था उसको हमने जीता है। वाइल्ड फ्लावर हॉल से हमने 200 करोड़ रुपया लेना है, हम उस लड़ाई को भी जीत रहे हैं। और जो हमारे पैसे की सरकार का पैसा लुटा दो, इस प्रथा को मैं बंद कर रहा हूं। और पहले आपको मैं बता दूं, आर्बिट्रेशन पीडब्ल्यूडी में हमने